हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने स्टार जेल के बारे में। इस एक्ने स्टार जेल की पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो आप अगर वीडियो को आखिर तक देखते हैं तभी आप इस दवा के बारे में, एक्ने स्टार जेल के बारे में पूरी नॉलेज ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्ने स्टार जेल जो होता है दोस्तों, ये जो होता है इसको बनाती है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, और एक्ने स्टार जो नाम दिया है इसको वो कंपनी ने दिया है मैनकाइंड ने। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये 110 रुपए की एमआरपी में आता है, और ये इसकी पैकिंग जो आती है 22 ग्राम की क्रीम आती है, 22 ग्राम का जेल आता है दोस्तों ये। और इसके अंदर जो है दो साइड का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है इसके अंदर क्लिंडामाइसिन, दूसरा होता है निकोटिनामाइड। तो क्लिंडामाइसिन जो है वो इसके अंदर होता है 1%, और जो की एंटीबायोटिक ग्रुप का होता है, जो की मैक्रोलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है एंटीबायोटिक कैटेगरी में। दूसरा होता है इसमें निकोटिनामाइड जो की 4% इसमें होता है, तो उसको विटामिन बी भी बोला जाता है निकोटिनामाइड को। तो ये दो साइड का कॉम्बिनेशन इस जेल के अंदर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके काम करने का तरीके को। तो ये जो क्लिंडामाइसिन होता है तो ये एंटीबायोटिक होता है। तो क्लिंडामाइसिन जो होता है ये काम करता है जो भी जिन भी बैक्टीरिया के कारण, जिन भी बैक्टीरिया की वजह से एक्ने पिंपल होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है ये। और निकोटिनामाइड जो होता है ये जो विटामिन बी होता है तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है थोड़ा बहुत, और ये जो है रेडनेस स्वेलिंग भी कम करता है दोस्तों। तो ये दो साइड इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो डिटेल में। तो इसके जो यूज होता है वो होता है एक्ने पिंपल को ट्रीट करने के लिए, एक्ने पिंपल जो होते हैं फेस पर उसको ठीक करने के लिए। आप फोटो में देख सकते हैं इस टाइप के एक्ने पिंपल जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको दिया जाता है आपके डॉक्टर द्वारा। और इसके अलावा इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, स्वेलिंग जो आ जाती है स्किन के ऊपर उसको भी कम करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देता है ये। और ब्लैक हेड्स जो बनते हैं, ब्लैक हेड्स जो बन जाते हैं छोटे से, तो उनको भी खत्म करने के यूज में इस एक्ने स्टार जेल को दिया जाता है। अब वाइट हेड बन रहे हैं तो उनको खत्म करने के लिए भी इस दवा जेल को दिया जाता है। और इसके अलावा रेडनेस स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में भी इस जेल को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा, तो ठीक कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। तो इसके जो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस दवा को लगा रहे हैं, तो स्किन पीलिंग हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी, ड्राई रहने लगेगी, सूखी रहने लगेगी स्किन, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, यही कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इनमें से अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे तो आप इस दवा को बंद कर दें, और आप उससे समझ सकते हैं कि आपको ये दवा सूट नहीं कर रही है, और आप इसके बाद अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको इस दवा ने ये साइड इफेक्ट दिया है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो डोज जो है दोस्तों वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पर, क्या उसकी फेस की कंडीशन है तो उसके हिसाब से डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसको जो लगाना होता है दोस्तों, इसकी जो डोज होती है अफेक्टेड एरिया पे इसको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप अपने फेस को जो क्लीन कर लें, इसको लगाने का जो सही तरीका होता है वो यही है कि सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें, उसके बाद में साफ कपड़े से ड्राई कर लें, उसके बाद में जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है जहां पर भी एक्ने पिंपल है उसके ऊपर इसको हल्के 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 लगा लें। और याद रखें दोस्तों, रगड़े नहीं इसको लगाने के बाद, हल्के हल्के बस आपको लगाना है। तो ये आप सुबह शाम लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये पूरी जानकारी एक्ने स्टार जेल के बारे में दी है। आई होप आपको हमारे द्वारा चीज दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवा के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।